दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई जॉब वैकेंसी आई है। बहुत ही फेमस जॉब है ये, अक्सर जो है इसकी लोग तैयारी करते हैं, बैंक वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो तो जरूर इसे भरते हैं। और इस पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब जो आपकी प्रशासनिक चीजें देखते हैं एलआईसी में, उसमें इसमें आपके कई कैटेगरियों में ये जॉब निकली है। पहला जर्नलिस्ट है, फिर आईटी, फिर सीए, फिर एक्वेटेरियल, फिर राजभाषा। इसमें प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मतलब चीजें होती हैं, तो ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको एक ऑफिशियल वर्क करने की इच्छा है, जिसमें वो लोग सुबह अपने घर से कार से जाएं, पार्किंग में कार खड़ी करें, उसके बाद ऑफिस में एसी केबिन हो आपका और आप वहां बैठकर अपना काम फाइलों के हिसाब से या फिर सिस्टम पे काम करके खत्म कर दें और शाम को वापस अपने घर चले जाए। तो ये पूरी तरह से व्हाइट कॉलर जॉब जिसको हम कहते हैं वो है। तो इस जॉब के बारे में आपको मैं आज सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, और जो है हर प्रकार की डिटेल्स और क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए किस हिसाब से, और क्या इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल आइकन दबा लें ताकि भविष्य में भी आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 590, मतलब 590 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके आईटी, सीए, एक्वेटेरियल, राजभाषा और जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट इट मीन्स जर्नल टाइप ऑफ ऑफिसर। तो इतने तरीके की आपकी वैकेंसीज हैं। इसमें देखिए आपका ईडब्ल्यूएस जो आ गया है, इकोनॉमिक जो है, जो वीक सेक्शन है उनके लिए, तो 35 सीटें उनके लिए इसमें अलग से रिजर्व हो गए। अनरिजर्व की बात करते हैं तो 140, सबसे ज्यादा एओ जनरल में 350 वैकेंसीज हैं, उसके बाद एओ आईटी में 150 वैकेंसीज हैं, उसके बाद एओ सीए में 50 वैकेंसीज है, एक्वाटेरियल में 30 और राजभाषा में 10। टोटल 590 आपकी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज बहुत ही सफिशियंट है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स में तो 10 20 30 ऐसे वैकेंसीज आती हैं, जैसे डीआरडीओ में तो तीन तीन चार चार वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको सफिशियंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और जर्नलिस्ट के लिए तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, तो आइए आप मतलब मैक्सिमम लोग इसे भर भी सक पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स के वो समझाया हुआ है, तो ये सब हम छोड़ते हैं, ये सब आपका फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है, वो अपना पॉज करके देख लें। और मेन चीजों पर हम बात करते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन का जो स्टार्ट है वो 2 मार्च से शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो चुका है, और ये लास्ट डेट आपकी 22 मार्च 2019 है। देखिए बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं इस बीच, तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ फॉर्म भरे होंगे, कुछ नहीं भरे होंगे, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि 500 500 1000 1000 रुपए के सारे फॉर्म लगातार भरते चले जाए। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत लगा के तैयारी करिए, आपके पास 1 साल का समय आप लीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्म भरिए। क्या होता है कि एक फॉर्म एक एग्जाम देते हैं आपका नहीं भी होता, लेकिन उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी इंप्रूवमेंट अगले एग्जाम में होती है। तो अगर आपके पास उतना कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो आप फॉर्म्स को भरा करिए और एग्जाम्स को दिया करिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि जॉब मिलने के बाद आप एक ही महीने में 50,000 रुपया सैलरी पा जाएंगे। सारे फॉर्म्स की वैल्यू, जितने भी पैसे आपने लगाए हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर, ठीक है। तो बिल्कुल पैसा का मुंह मत देखिए, अगर पैसा है तो आप सारे फॉर्म्स को भरिए, सारा एग्जाम दीजिए। उसके बाद आपका देखिए आपका जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं, 22 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक। उसके बाद आपकी एग्जाम 4 5 मई 2019 है, देखिए यहाँ पर एग्जाम की डेट रखी हुई है, तो आपको एक आइडिया भी है कि मुझे कब किस तरह से तैयारी करनी है कि इतने समय में मैं इतना अपना पूरा चीज तैयार कर लूँ। और 28 जून 2019, उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका यहाँ पूरा दिया हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी, दुनिया भर का जो है उनका जो एज रिलैक्सेशन होता है उनको पता होगा जो इस कैटेगरी में होंगे। उसके बाद आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात आती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एओ जर्नलिस्ट के लिए आपका नॉर्मल बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीई, कुछ भी। उसके बाद हाँ, को बहुत लोग ये अभी कमेंट करके पूछ लेंगे डिप्लोमा एलिजिबल है क्या, तो डिप्लोमा भाई नहीं एलिजिबल है, आईटीआई नहीं एलिजिबल है, ग्रेजुएट बैचलर डिग्री आपको चाहिए। उसके बाद एएओ आईटी के लिए आपको एमसीए या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी, अरे कंप्यूटर साइंस एमएससी या फिर आईटी में आपका, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीटेक कर रखा हो। उसके बाद एओ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपने सीए किया हो, एओ एक्वेटोरियल के लिए बैचलर डिग्री ने एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कैंडिडेट शुड हैव कंपल्सरी पास्ट पेपर CET1 एंड CET5 प्लस 4 और मोर देन अदर पेपर्स द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो है इनका जो ये पेपर है ये आपको पास हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद राजभाषा है, राजभाषा में आपका हिंदी से
पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री, और संस्कृत में अगर आप इंग्लिश के साथ है तो भी आप ये एग्जाम भर सकते हैं, हिंदी लेकिन होना चाहिए। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन की बात खत्म, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी सबसे ज़्यादा बात करते हैं लोग, सैलरी। सैलरी देखिए यहाँ पर आपका बेसिक पे 32,795, अगर आप क्लास ए सी टी में रहते हैं तो आपका एच आर ए वगैरह लेकर के 56,000 पर मंथ बनता है, जो कि इतनी सैलरी जल्दी किसी जॉब में मिलती नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब मिलती है बहुत सारे हैं, आईएएस पीसीएस भी इसी ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है, लेकिन 56,000 की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आपको 30,000-35,000 की क्लर्क वगैरह वाली पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आपको 56,000 रुपये का आपका सैलरी बनेगा लगभग। और उसके बाद आपको लोन वगैरह लेने में भी बहुत ज़्यादा रियायत दी जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा लो इंटरेस्ट पे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हाउस लोन, होम लोन, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कंडीशन है, आपको सर्विस कंडीशन दिया गया, प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल का, फिर गारंटी बॉन्ड होता है कि आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपको 2,00,000 रुपये देना पड़ेगा LIC को। उसके बाद आपका यहाँ पर फीस दिया है, SC ST के लिए 100 रुपये है प्लस और सारे कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए टीयर, दो टीयर होगा जिसमें प्रीलिमिनरी टीयर जो प्री होता है उसमें आपका फेज वन में रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज विद सोशल स्पेशल इम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रेहेंशन, मतलब यहाँ तीनों पार्ट पूछे जाएंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रेहेंशन, और आपका यहाँ पर जीके जीएस जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जीके जीएस आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपने, मुझे उम्मीद है कि और भी फॉर्म भरे होंगे जहाँ पर वो पूछा जाएगा। उसके बाद टोटल आपके 35-35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, 20-20 मिनट का पेपर होगा। फिर आपका मेन पेपर जो होगा फेज टू, इसमें आपके जो पेपर होगा उसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, सब में 30-30 क्वेश्चन होंगे आपके, और ये टाइम आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हर एक आपके सेक्शन में है, तो आप ये भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, देख लीजिए यहाँ से पॉज करके और उसको उस हिसाब से तैयारी करिए। तैयारी तो आपको 100% करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है। फिर उसके बाद IT चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्वाटेरियल के लिए पेपर ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब इससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड आपको आईटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंटेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये वैसा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। राजभाषा के लिए आपका एक राजभाषा का प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हिंदी का। हाँ, यहाँ पर आपको एसे राइटिंग या फिर मतलब दो क्वेश्चन आएगा, एक शायद लेटर लिखने के लिए होगा, एक एसे लिखने के लिए होगा, तो आप इसको भी प्रैक्टिस बना लीजिएगा अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है, पहले से करने की जरूरत नहीं होता, आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर देते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, और सेंटर्स भी ऑल अक्रॉस इंडिया है, तो उसका भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब पाने का आपके पास मौका है, आप उसको बिल्कुल ना गवाएं, इसको भरे, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, और जो है आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मैं आपको जो है भविष्य में भी ऐसे वीडियोस देने की जो है ट्राई करता रहूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो सेल्फ स्टडी आप किस टाइप से करिए, जिसको आप स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि आजकल सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारी अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको जैसे अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स लगवाया जाता है, आपके हर वीकली टेस्ट होते हैं, तो आप टेस्ट में एक एग्ज़ाम जैसे इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, लेकिन घर पर रहकर आप ये सब नहीं कर पाते, तो घर पर रहकर भी आप ये सब कर सकते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको वो वीडियो लगता है कि मुझे बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं जल्दी ही उसको बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।